हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष शर्मा, हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल EMCIQ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आशा करता हूं कि आपने फर्स्ट वाला वीडियो देख लिया होगा और देख रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हमने पिछले वाले वीडियो में कौन से एग्जांपल की बात की, एग्जांपल नंबर फर्स्ट और एग्जांपल नंबर सेकंड की बात की थी। और मैंने बोला था कि 3, 4 और 5 ये तीनों आपको करने हैं, जिसकी मैंने PDF भी अपलोड कर दी थी। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस था, वो मैंने अच्छे से PDF में समझा रखा है, ठीक है। फिर भी आपको समझ में नहीं आया 5th वाला क्वेश्चन, तो आप कमेंट करें, मैं कमेंट का पूरा जवाब आपको सही तरह से दे दूंगा, ठीक है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जांपल नंबर 6 और एग्जांपल नंबर 7, और एक और एग्जांपल है जो भी सिंपल है लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस है, वो मैं आपको हिंट दे दूँगा, ठीक है। अभी देखो, 6 वाले क्वेश्चन में भी मैं आपको केवल हिंट ही दूँगा। हिंट क्यों दूँगा मैं, क्योंकि इसमें भी बाकी जो प्रोसेस है आगे वाला, वो हमने जो एग्जांपल नंबर फर्स्ट और एग्जांपल नंबर सेकंड में किया वो का वही है, ठीक है। तो लेकिन ये बस सोल्व, ये इसमें क्वेश्चन का थोड़ा कंसेप्ट है वो मैं आपको समझा देता हूँ, आगे का प्रोसेस आप भी को करना है, जिसकी मैं PDF अपलोड कर दूँगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारे पास ये वाला, ठीक है ना। देखो ध्यान से पढ़ते हैं एक बार, कि एक कंपनी के पास 4 क्षेत्र तथा 4 ही विक्रेता उपलब्ध है। मतलब एक कंपनी है जो, मतलब उसके पास वो कुछ भी मतलब विक्रय करती है, उसको कोई भी चीज़ बेचती है, ठीक है ना। तो उसके पास ऐसे बेचने के लिए कितने क्षेत्र है, 4 क्षेत्र है, या ऐसे से मतलब 4 चीज़ें वो बेचती है, और 4 ही चीज़ों बेचने के लिए 4 अलग अलग उसके पास बेचने वाले आदमी है या कंपनियां हैं, कुछ भी मान सकते हो। तो 4 क्षेत्र है और 4 विक्रेता उपलब्ध है। विक्रय शक्यता, विक्रय शक्यता मतलब पोटेंशियल के दृष्टिकोण से क्षेत्र समान रूप से समृद्ध नहीं है, मतलब किसी क्षेत्र में ज़्यादा बिक्री होती है, किसी में कम बिक्री होती है। ये अनुमान लगाया गया है कि एक विशेष विक्रेता प्रत्येक क्षेत्र में निम्न वार्षिक बिक्री कर सकता है, ठीक है। देखो कैसे, कि जैसे 4 क्षेत्र है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ऐसा ये देखो, ये जो 60, 50, 40, 30, इसका मतलब क्या है, 60,000, 50,000, 40,000, 30,000, कि फर्स्ट वाले क्षेत्र में अधिकतम 60,000 की बिक्री कर सकते हैं कोई करना चाहे तो, सेकंड में 50,000 की कर सकते हैं, थर्ड में 40,000 की कर सकते हैं, और फोर्थ में 30,000 की बिक्री हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो किसके बारे में बता दिया हमको, क्षेत्र के बारे में। फिर अगली लाइन पढ़ो, चारों विक्रेताओं की क्षमता भी भिन्न भिन्न है। जो 4 विक्रेता है, A, B, C, D, 4 विक्रेता मान लिए हमने, उनकी क्षमताएं अलग अलग है, कोई बेचने में माहिर है, कोई कम बेचने में माहिर है, कोई उनसे भी कम, तो चारों की क्षमताएँ क्या अलग अलग है, तथा समान परिस्थितियों में उनकी वार्षिक बिक्री का जो अनुमान है निम्न अनुपात के अनुसार है, कि यदि एक चारों को एक ही क्षेत्र में बिक्री के लिए लगा दिया जाए तो उनका जो अनुपात रहेगा बिक्री का वो क्या रहेगा, 7:5:5:4, मतलब सबसे ज़्यादा बिक्री कौन कर रहा है, ए, और सबसे कम कौन कर रहा है, डी। ये तो आराम से आप समझ ही सकते हो, क्योंकि अनुपात सबसे ज़्यादा किसका है, ए का है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि कुल वार्षिक बिक्री अधिकतम करने का ध्येय हो तो, भाई लाभ कब होगा, जब बिक्री अधिकतम करेंगे, कि यदि कुल वार्षिक बिक्री अधिकतम, और जो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें जो कॉन्सेप्ट आएगा वही आपका 5th एग्जाम्पल का कॉन्सेप्ट है, तो अभी आपको मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि कुल वार्षिक बिक्री अधिकतम करने का ध्येय हो तो सर्वश्रेष्ठ विक्रेता को सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र में, तथा उससे कम श्रेष्ठ विक्रेता को कुछ कम समृद्ध क्षेत्र में, तथा इसी प्रकार शेष को लगाया जाए, इसे निर्दिष्टीकरण तकनीक से सत्यापित कीजिए। क्या बोलना चाह रहा है ये बोलना चाह रहा है कि जो सबसे ज़्यादा बिक्री कर सकता है उसको ऐसे क्षेत्र में लगाऊँ ना जिसमें बिक्री और अधिक होती हो, उसको क्यों, मतलब जैसे मैं इस ए वाले को डी इस फोर्थ वाले क्षेत्र में लगा दूंगा, यहाँ पे बिक्री 30,000 की होती तो ये तो आराम से कर लेगा, लेकिन वो जैसे मैं जिस डी वाले को यहाँ पे लगाऊंगा तो ये नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि इसकी क्षमता कम है, ठीक है। इससे अच्छा तो जो ज़्यादा क्षमता वाला है उसको ऐसे क्षेत्र में लगाओ जिसमें बिक्री अधिकतम होती हो, ठीक है ना। तो लेकिन ये अपन को ऐसे साफ साफ भी दिख रहा है, लेकिन इसको अपन को किसकी निर्दिष्टीकरण तकनीक से हमको क्या करना है, ये चीज़ हमको सत्यापित करनी है। आई चीज़ समझ में, तो आपके पास ये दो निर्दिष्टीकरण मतलब जो नियतन समस्या का हमने मेथड पढ़ा है हंगेरियन विधि, ठीक है ना, उसके माध्यम से इसको हमको सोल्व करना है। तो हमारे पास ये दो सारणियाँ हैं, अब इन दो सारणियों के माध्यम से हम क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। देखो मैट्रिक्स किससे कैसे बनेगी, इसकी मैट्रिक्स बनाने के लिए थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। क्या कंसेप्ट समझना पड़ेगा इसका, कि यहाँ पे क्या ये जो बिक्री है किसमें है, हज़ारों में, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या मान लूँगा, कि माना 10,000 बराबर क्या मान लूँगा मैं, एक यूनिट, क्या मान लूँगा, 10,000 बराबर एक यूनिट, कि ये जो ये बिक्री है इनको हज़ारों में नहीं लिखी अपन, क्या मान लेंगे, 10,000 को एक यूनिट मान लेंगे, तो ये कितना यूनिट हो जाएगा, 6 यूनिट, ये कितना हो जाएगा, 5 यूनिट, ये हो जाएगा 4 यूनिट, इससे क्या अपन को जोड़ मतलब अपनी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, और ये हो जाएगा अपने पास 3 यूनिट,
मैंने क्या मान लिया, 10,000 मतलब 60,000 है तो 6 यूनिट ही रह जाएगा, 50,000 है तो 5 यूनिट ही रह जाएगा, कोई दिक्कत है? ठीक है, नहीं है, सॉरी क्या ना कि अब देखो अगली लाइन क्या लिखूंगा मैं, चारों विक्रेताओं का भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो अनुपात है, चारों विक्रेताओं का भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अनुपात अलग अलग है, यदि चारों अनुपातों को मैं यदि जोड़ लूँ तो टोटल अनुपात करेंगे हम तो 7, 5, 5 और 4, टोटल कितना हो रहा है ये 21, तो टोटल अनुपात कितना हो जाएगा अपने पास 21। तो अपन केवल विक्रेता एक के लिए बात करें, किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, केवल विक्रेता एक के लिए, विक्रेता एक के चारों क्षेत्रों की बिक्री, यदि विक्रेता को चारों क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से भेजा जाए तो उसकी बिक्री क्या रहेगी, ये हम केवल एक के लिए फाइंड कर रहे हैं ना, ऐसे हम बी के लिए भी करेंगे, ऐसे हम सी के लिए भी करेंगे, लेकिन एक के लिए थोड़ा अपन डिफाइन कर रहे हैं पूरा, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसका टोटल अनुपात कितना है 21, उसमें से इसका एक का अनुपात कितना है 7, आई चीज़ समझ में। तो यदि ये ए वाला विक्रेता फर्स्ट वाले क्षेत्र में जाएगा, फर्स्ट वाला क्षेत्र में क्या है मतलब, फर्स्ट वाले क्षेत्र में कितनी बिक्री कर सकते हैं हम, 60,000 की, ठीक है ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा अपने पास 60,000, लेकिन हमने इसको 10,000 को क्या माना, 1 यूनिट, तो क्या आ जाएगा 7/21 × 6 यानी 42/21, इसको अपन को डिवाइड नहीं करना है, ठीक है ना। ऐसे सेकंड वाले क्षेत्र के लिए निकाले ले, तो इसका अनुपात तो ये रहेगा 21 में से 7, और सेकंड वाले क्षेत्र में बिक्री कितनी है 50,000, और 10,000 को हमने क्या माना है 1 यूनिट, तो यहाँ 5 रह जाएगा, 7×5 = 35/21। ऐसे थर्ड वाले क्षेत्र के लिए बात करें तो कितनी है वहाँ पे है 40,000, तो उसमें कितनी रह जाएगी अपने पास 7×28 = 21। वैसे फोर्थ वाले क्षेत्र की बात करें तो कितना है वहाँ पे 30,000, तो उसमें कितनी रह जाएगी अपने पास 21/21, ठीक है। देखो इसमें डिवाइड में 21 आ रहा है तो इसको हटाना पड़ेगा, बाकी अपन मैट्रिक्स में लिखेंगे तो डिवाइड वाली संख्या को अपन सोल्व कैसे करेंगे, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, गणना को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, गणना को सरल करने के लिए, सॉरी गणना को सरल करने के लिए, यदि इसको हमको सरल करना है तो क्या करेंगे हम, 21 वर्षों के लिए क्या निकाल लेंगे बिक्री, 21 वर्षों की बिक्री, इससे क्या होगा अपने पास 21 अपने नीचे वाला हट जाएगा, 21 वर्षों की बिक्री निकालेंगे तो हमारे पास ये बिक्री कितनी रह जाएगी, 21 से 21 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 42, इधर क्या रह जाएगा 35, थर्ड वाले क्षेत्र में क्या रह जाएगा 28, और फोर्थ वाले क्षेत्र में क्या रह जाएगा 21, आई चीज़ समझ में। तो इस तरह से हमको एक मैट्रिक्स, ये एक पंक्ति तो हमको ये मिल गई, ऐसे हमको अगली निकालनी है, ऐसे हमको अगली निकालनी है। अब देखो इसकी मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, मैट्रिक्स बन गई तो काम ख़त्म हमारा, देख लो ये मैंने फर्स्ट क्षेत्र ले लिया, ये सेकंड क्षेत्र, ये थर्ड क्षेत्र और ये फोर्थ क्षेत्र, ये मैंने विक्रेता ए, विक्रेता बी, विक्रेता सी और विक्रेता डी। अब देखो विक्रेता ए फर्स्ट क्षेत्र में कितनी बिक्री करेगा 42, लेकिन ये पूरी मैट्रिक्स किसके लिए बना रहे हैं हम, 21 वर्षों के लिए, ठीक है ना। तो विक्रेता ए फर्स्ट वाले क्षेत्र में कितनी बिक्री करेगा 42, या आप बोल सकते हो 42,000 की, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे क्या चीज़ें हैं, ये पैसे ही तो है, ये बस हमने क्या कर रखा है इसको यूनिट में लिख रखा है 42 यूनिट। विक्रेता ए सेकेंड वाले क्षेत्र में कितनी करेगा 35, ऐसे थर्ड वाले क्षेत्र में कितनी करेगा 28, फोर्थ वाले क्षेत्र में कितनी करेगा 21। अब बी वाले की कैसे निकालेंगे, देखो डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करना है, ए वाले की कैसे निकाली मैंने आपको बता देता हूँ, 7×6 = 42, ये 7×5 = 35, 7×28 7×3 = 21, ऐसे बी वाले की निकालेंगे तो 5×6 = 30, तो क्या आ जाएगा अपने पास ये 30, ये 5×5 = 25 और 5×4 = 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 25, यहाँ पे आ जाएगा 20, और फोर्थ वाले क्षेत्र में क्या आएगा 5×3 = 15। ऐसे ही देखो थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला विक्रेता है, उसके पास भी अनुपात 5 ही है, तो मतलब ये पंक्ति क्या रहेगी सेम ही रहेगी, 30, 25, 20 और 15। बात करें डी वाले के लिए, तो डी वाले का अनुपात कितना है 4, 4×6 = 24, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24, और फिर क्या है अपने पास 4×5 = 20, 4×4 = 16, तो ये आ गया 20, ये आ गया 16, लास्ट वाला 3×4 = 12। तो इस तरह से आपको ये मैट्रिक्स बनानी है, ये जो अंदर है ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये यूनिट लिखी हुई है, बाकी एक्चुअली में देखा जाए तो 42,000 35,000 की ए ने बिक्री की फर्स्ट वाले क्षेत्र में, 21 वर्षों की क्या बिक्री है उसकी टोटल मिला के 42,000, तो ये हमने क्या बना दिया लागत मैट्रिक्स, क्या बना दिया हमने लागत मैट्रिक्स।
अब इस लागत मैट्रिक्स को हमको सॉल्व करना है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखना, हम हमेशा देखो, हमने फर्स्ट वाला एग्जांपल और सेकंड वाला एग्जांपल जो सॉल्व किया था उसमें हमने क्या चीज़ फाइंड की थी, न्यूनतम चीज़। देखो ये जो नियतन समस्या है इसमें जो हंगेरियन विधि लगा रहे हैं ये हमेशा किसके लिए लगती है, न्यूनतम फाइंड करने के लिए। किसके लिए फाइंड, किसके लिए लगती है ये न्यूनतम चीज़, न्यूनतम कोई भी न्यूनतम लागत, न्यूनतम समय, ये चीज़ें फाइंड करने के लिए हम ये विधि यूज़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में थोड़ा ये जैसा 5/5 वाला क्वेश्चन है उसके जैसा ही है कि इसमें क्या है। देखो यदि कुल वार्षिक बिक्री अधिकतम करने का देय हो तो, मतलब हमारा विचार अधिकतम, क्योंकि बिक्री तो अधिकतम ही होगी हमेशा, क्योंकि बिक्री को तो अधिकतम करेंगे तभी लाभ होगा ना, तो बिक्री अधिकतम करने का देय हो तो, यहाँ पे अधिकतम चीज़ें निकालनी है आपको। लेकिन ये जो फॉर्मूला लगता है तो न्यूनतम के लिए लगता है, तो यहाँ पे एक चीज़ करोगे आप, क्या करोगे, पूरे जो पूरे मैट्रिक्स के सभी अवयव है उसको क्या करोगे आप, ये कि यही चीज़ आपको एग्जांपल नंबर 5/5 में भी करनी है कि जो भी आपके मैट्रिक्स के सभी अवयव है उसको किससे माइनस कर दोगे आप, -1 से। इन सभी अवयवों को -1 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब पूरी मैट्रिक्स को क्या बना दोगे आप, माइनस। पूरी मैट्रिक्स को क्या बना दोगे, माइनस। तो जो नई मैट्रिक्स मिलेगी आपको वो क्या मिलेगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, यहाँ मिलेगा आपको A, B, C और D। ठीक है, तो ये देखो सबको मैंने -1 से गुणा कर दिया, तो -42, -35, -28 और -21, यहाँ पे आ गया -30, -25, -20 और -15। सी वाले में आ गया -30, -25, -20 और -15, और डी वाले में आ गया -24, -20, -16 और -12। ये अपनी क्या आ गई, माइनस। अब हम जो इसमें, अब वही फॉर्मूला वो कि वही विधि लगाएंगे, सारा प्रोसेस वो का वही रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं करना है, लेकिन जो लास्ट में आंसर आएगा वो हमारे अधिकतम निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे इसको मैं पूरा सोल्व कर देता हूँ। इसको सोल्व करेंगे हम कौन से विधि से सोल्व करेंगे, इसको हंगेरियन विधि से। कौन सी विधि से सोल्व करेंगे, हंगेरियन विधि से। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि अधिकतम फाइंड करना है। ठीक है, हंगेरियन विधि से इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला मेथड क्या रहता है, स्टेप, पंक्ति सम्मानित मैट्रिक्स, क्या रहता है सबसे पहला स्टेप, पंक्ति सम्मानित मैट्रिक्स। पंक्ति सम्मानित मैट्रिक्स क्या है अपने पास, कैसे फाइंड करते हैं पंक्ति सम्मानित मैट्रिक्स, एक एक पंक्ति लेते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले वाली पंक्ति लेंगे, इसमें बताओ कि सबसे छोटा अवयव कौन सा है, वो कि वही चीज़ करनी है, सारी प्रोसेस सेम है। क्या है, प्रोसेस सेम है, बस चेंजेस कहाँ करने हैं, ये -1 से गुणा करने का चेंज करना है और कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है ना, तो प्रोसेस पूरा सेम है, आपको बस ये यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करना था अधिकतम निकालने के लिए। क्या करोगे आप पंक्ति सम्मानित मैट्रिक्स में, कि पहली पंक्ति लेंगे, इसमें सबसे छोटा अवयव, सबसे छोटा माइनस में कौन सा होता है, जो सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, या -42। फिर हम क्या करते थे, -42 को सभी अवयवों से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना कि जो सबसे छोटा अवयव होता है उसको उस पंक्ति में उपस्थित सभी अवयवों से माइनस करते हैं। ठीक है, तो जो -42 है, -42 में से क्या माइनस करेंगे, -42 ही, ऐसा ही बोल रहा हूँ मैं। तो देखो -42 माइनस माइनस +42 तो कितना हो जाएगा अपने पास, 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास, देखो बना देता हूँ मैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ये आ गया अपने पास A, B, C और D। ठीक है, तो अपने पास क्या रहेगा कि देखो -42 में से क्या माइनस किया मैंने, -42 से माइनस किया तो क्या आ गया मेरे पास, 0। ऐसे -35 में से मैं -42 माइनस करूँगा, ये -35 माइनस -42 तो क्या होगा, -35 + 42 तो कितना बच जाएगा अपने पास, माइनस प्लस माइनस, 42 में से 35 गए तो 5, 2, 7, और प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की है, तो यहाँ कितना आ जाएगा अपने पास, 7। इससे क्या पता चल रहा है, इससे यह पता चल रहा है कि जब आप इसमें से सारी पंक्तियों में से जब आप निकालोगे छोटा छोटा अवयव और फिर उसको माइनस करोगे सभी अवयवों में से, तो आपको जो अगली जो पंक्ति सम्मानित मैट्रिक्स मिलेगी वो हमेशा आपको कौन सी मिलेगी, पॉजिटिव डिजिट वाली मिलेगी। टेंशन मत लेना, ये माइनस बस यहाँ यहाँ तक ही है, बाकी सारी आपको टर्म कौन सी मिल जाएगी, फिर सारे अवयव किसके मिल जाएंगे, आपको धनात्मक अवयव सारे मिल जाएंगे। ठीक है ना, जैसे ये हो रहा है ऐसे ही मैं इसके लिए निकालूँ तो -28 और -42, मतलब -28 में से माइनस करूँ -42 को तो कितना बचेगा मेरे पास, 14। आप कर सकते हो -21 में से माइनस करूँगा तो क्या बचेगा अपने पास, 21। ऐसे ही अब देखो इस वाली पंक्ति में सबसे बड़ा छोटा अवयव कौन सा है, तो -30, तो -30 में से -30 माइनस करूँगा तो 0।
-25 में से -30 माइनस करूँगा तो 5, ऐसे 20 में -20 में से माइनस करूँगा तो 10, और -15 में से माइनस करूँगा तो 15। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगी, पंक्ति सम्मानित मैट्रिक्स। पंक्ति सम्मानित मैट्रिक्स क्या मिलेगी आपको, इसको आप कर सकते हो सॉल्व, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमको क्या मिल गई है, पंक्ति सम्मानित मैट्रिक्स। देखो सारे अवयव क्या आ गए अपने, पॉजिटिव आ गए। ठीक है, बहुत बार हम क्या करते हैं, गलती यहाँ कर देते हैं कि ये माइनस की संख्या है, सबसे छोटी -21 को ले लेते हैं, तो फिर वो गलती हो जाती है। तो फिर आप, और बहुत बार गलती ये भी हो जाती है, -42 में से -42 माइनस कर रहे हैं, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार हम -42 -42 मतलब कितना हो गया, 84, तो हम -84 लिख देंगे, वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये थोड़ी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें जो ध्यान रखनी है। तो ये हमारी पंक्ति सम्मानित मैट्रिक्स प्राप्त हो गई है। अब इससे कौन सी सेकेंड वाला मेथड क्या है हमारा, स्तंभ सम्मानित मैट्रिक्स। ये कौन सी सेकंड वाला स्टेप क्या है अपने पास, स्तंभ सम्मानित मैट्रिक्स। मतलब जो चीज़ हमने पंक्ति के लिए की वही अपन को किसके लिए करनी है, स्तंभ के लिए। लेकिन अब जो हमारी मैट्रिक्स है ये वाली है पंक्ति सम्मानित में, इसमें से हमको चेंजेस करने, वापस अब ऊपर वाले पे नहीं जाना है हमको, ये तो हमको इतना तो पता है। तो वही बना देते फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ ए बी सी और डी। स्तंभ देखेंगे, इस स्तंभ में सभी संख्याएं जीरो है तो जीरो जीरो आ जाएगा, जीरो 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 जीरो। इसमें सबसे छोटी संख्या चार है तो 7 में से 4 गए तो 3, 5 में से 4 गए 1, 1 और 0। इसमें सबसे छोटी संख्या 8 है तो 14 में से 8 गए तो 6, 10 में से 8 गए तो 2, 2, 0। सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, 12, तो 21 में से 12 गए तो कितने बचे, 9, 15 में से 12, 3, 3 और 0। तो ये हमारी क्या मिल गई हमको, स्तंभ सम्मानित मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर थर्ड में क्या करते हैं हम, शून्य निर्दिष्टीकरण। क्या करते हैं, शून्य निर्दिष्टीकरण। शून्य निर्दिष्टीकरण में हम क्या करते हैं, अब देखो एक ही चीज़ हमको, एक ही मैट्रिक्स यहाँ लिखनी थी लेकिन मैं इसी में कर रहा हूँ सॉल्व। ठीक है ना, तो आप साथ साथ वीडियो देख रहे हो तो साथ साथ इसको अलग अलग लिखना है, ऐसा नहीं कि सारे शून्य निर्दिष्टीकरण की प्रक्रिया इसी को वापस उतार के नीचे इसमें करनी है, लेकिन मैं इसमें ही कर रहा हूँ। ठीक है ना, सबसे पहले क्या करते हैं, पंक्ति में जाते हैं। पंक्ति में क्या करते हैं, यदि एक जीरो है तो उसको हम किस में बंद कर देते हैं, ब्रैकेट में, और उसके जस्ट नीचे वाले भी सारे जीरो को क्या कर देते हैं, कैंसिल। फिर सेकंड पंक्ति में जाते हैं, कोई जीरो है क्या, नहीं है। थर्ड में जाते हैं, कोई जीरो है क्या, नहीं है। फोर्थ में जाते हैं, कोई जीरो है, तीन है लेकिन, तो हम अपन उसको ले ही नहीं सकते, हमको कितना जीरो चाहिए, एक जीरो, बात खत्म। अब किसके लिए बात करेंगे, स्तंभ के लिए। स्तंभ में, इस स्तंभ में कोई जीरो नहीं, एक जीरो था जो ब्रैकेट में हो गया बंद, इसमें जीरो है, बिल्कुल है। इसके सामने वाले जीरो को क्या कर देंगे हम, क्रॉस। इस स्तंभ में जाएंगे, कोई जीरो है, नहीं। इस स्तंभ में जाएंगे, कोई जीरो है, नहीं, क्योंकि क्रॉस लग गया है। तो देखो हमने क्या सीखा था, शून्य निर्दिष्ट, सभी पंक्तियों को शून्य निर्दिष्ट होना चाहिए, यानी सभी पंक्तियों में एक ऐसा शून्य होना चाहिए जिसको ब्रैकेट मिला हुआ है, लेकिन केवल दो ही शून्य ऐसे जिनको ब्रैकेट मिला हुआ है, हमको दो पंक्तियों में और चाहिए। तो इसके आगे हम क्या प्रक्रिया करते हैं, इसके आगे क्या प्रक्रिया करते हैं, हम सभी जीरो को क्या कर देते हैं, डॉट लाइन से ढक देते हैं। कौन सी लाइन से ढक देते हैं, डॉट लाइन से। तो और उसके लिए भी क्या प्रोसेस है, हमको वो पंक्ति या स्तंभ देखना है जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो, हमको वो पंक्ति और स्तंभ देखना है जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो। तो देखो सबसे ज़्यादा जीरो एक तो इसमें और एक इसमें, सारे जीरो ढक गए, ये सारे जीरो, इसमें भी चार थे, इसमें भी चार थे, तो मैंने दो, एक तो पंक्तियों के ऊपर डॉट खींच दी, एक स्तंभ के ऊपर डॉट खींच दिया, तो सारे जीरो ढक गए। इसके आगे के क्या प्रोसेस रहता है, इसके आगे का प्रोसेस ये रहता है कि एक नई मैट्रिक्स हम बनाते हैं, और उस नई मैट्रिक्स कैसे बनती है, वो ये ए बी सी और डी जो नई वाली मैट्रिक्स है वो कैसे बनती है, उसमें हम देखते हैं कि ये इसी से बनेगी। अब देखो कैसे बनाएंगे, जो बिना ढके वाले डिजिट है उनमें सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, तो एक। जो बिना ढके वाले डिजिट है उसमें सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, एक। आई चीज़ समझ में। तो अब इस एक का क्या रोल है, इस एक का रोल ये है कि जो इस एक को माइनस करेंगे किससे, जो बिना ढके वाले डिजिट है उनमें से, तो क्या माइनस कर देंगे हम, एक माइनस कर देंगे। जो ढके वाले डिजिट है उनको रखेंगे हम एज इट इज़, उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जहाँ से जहाँ दोनों लाइनें कट कर रही है, डॉट लाइनें, ये एक लाइन और एक लाइन, ये कहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है, वहाँ हम क्या कर देंगे, प्लस वन। आई चीज़ समझ में। तो देखो इसमें पूरी लाइन में जीरो 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 जीरो, क्योंकि डॉट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, क्रॉस। क्रॉस में क्या कर देंगे, एक को ऐड,
यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस, तो तीन में से एक दो, एक में से एक जीरो, एक में से एक जीरो, और ये एज इट इज़ आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, छः में से एक गया तो पाँच, दो में से एक एक एक, और ये भी जीरो एज इट इज़ आ जाएगा। नौ में से एक गया तो आठ, तीन में से एक गया दो दो, और ये भी जीरो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है ना, ये तो हमारी क्या बन गई, वापस हमको मैट्रिक्स मिल गई। तो वापस हम क्या करेंगे, शून्य निर्दिष्टीकरण की प्रक्रिया, तो वही पंक्तियों में जाएंगे। इसमें एक जीरो है तो ये लगा दिया ब्रैकेट, इसके नीचे वाले जीरो को क्या कर दिया मैंने, कैंसिल। फिर इस वाली पंक्ति में जाएंगे, इसमें भी एक जीरो है, इसके नीचे वाले जीरो को कैंसिल। फिर इस पंक्ति में जाएंगे, एक भी जीरो नहीं है, इस पंक्ति में जाएंगे, दो जीरो है, तो दो जीरो चूज ही नहीं कर सकते। फिर जाएंगे स्तंभ में, स्तंभ में जाएंगे, इसमें जीरो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो इसको मैं बंद कर दिया ब्रैकेट में। इसके सामने वाला क्या हो गया, क्रॉस। लेकिन अब इस फिर भी हमारे पास तीन ही जीरो ऐसे आए जो ब्रैकेट में बंद है, मतलब हमको एक और चाहिए, क्योंकि इस वाली पंक्ति में एक भी जीरो ऐसा नहीं आया। ठीक है, तो मतलब वापस क्या करेंगे, वही प्रोसेस वापस फॉलो करेंगे। देखो कैसे फॉलो करेंगे, सबसे ज़्यादा जीरो देखो एक तो इस स्तंभ में है, ठीक है, तो इस स्तंभ को अपन क्या कर देंगे, डॉट डॉट। इसमें भी तीन जीरो है तो इसको भी कर देंगे डॉट डॉट, और इसमें भी अपने पास तीन जीरो है तो इसको भी कर देंगे डॉट डॉट। आई चीज़ समझ में, इस तरह से सारे जीरो टकने चाहिए। हमारा जो मेन मकसद है यहाँ पे क्या है, जीरो को टकना है, जीरो कौन से भी हो, ब्रैकेट वाले हो या क्रॉस वाले, सारे टके होने चाहिए। अब वापस नई मैट्रिक्स प्राप्त करूँगा मैं, बहुत मतलब एक बार आप अच्छे से समझ लोगे फिर प्रैक्टिस करोगे ना, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। इसका तीन नंबर में भी क्वेश्चन आता है छोटा वाला, मतलब केवल जो सिंपल क्वेश्चन है वो तीन नंबर में आ जाता है, जो थोड़ा ऐसा इस तरह से लंबा होता है वो हमको 7.5 में, मतलब बड़े वाले क्वेश्चन में हमको दे दिया जाता है। अब देखो वापस अब क्या करेंगे, वापस वही देखेंगे बिना टके में से सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, वही एक ही है, लगभग एक ही रहता है, ज़्यादातर कोई बार चेंज हो जाता है, ठीक है ना। आपको ये देखना है कि सबसे छोटा कौन सा है, आपको फिक्स नहीं करना है कि एक रहता है या दो रहता है, ठीक है ना, कि एक ही सबसे छोटा डिजिट है। तो वही जो बिना टके है उनमें से तो एक माइनस कर देंगे, जो टके हुए हैं उनको एज इट इज़ लिखेंगे, और जहाँ क्रॉस बन रहा है, जहाँ दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही है, वहाँ क्या कर देंगे, एक क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो देखो जीरो पे तो लाइन आए, जीरो एज इट इज आ जाएगा, इस पे भी ये जीरो एज इट इज़ है, ये जीरो भी एज इट इज़ है। यहाँ पे क्रॉस बन रहा है तो यहाँ पे पहले एक है, एक में एक ऐड हो जाएगा तो दो, यहाँ पे दो एज इट इज़ आ जाएगा, ये जीरो एज इट इज़ आ जाएगा, ये जीरो भी एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, जीरो प्लस एक एक, ये पाँच में से क्या हो जाएगा, माइनस चार, एक में से एक गया तो जीरो, एक में से एक गया तो जीरो, और ये जीरो हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। आठ में से एक गया तो सात, दो में से एक गया तो एक, इस दो में से भी एक गया तो एक, और ये जीरो हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब वापस वही शून्य निर्दिष्टीकरण की प्रक्रिया, चलते हैं फर्स्ट पंक्ति में, एक जीरो है बिल्कुल है तो इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, इसके जस्ट नीचे वाले जीरो को कैंसिल कर दो। सेकंड पंक्ति में दो जीरो है, ख़त्म, मतलब छोड़ दो। सी पंक्ति में कितना है, दो जीरो, छोड़ दो। डी में भी दो जीरो है, छोड़ दो। चलते हैं इसमें, इसमें अपने पास कितने जीरो है, इसमें जीरो है ही नहीं, इसमें भी, इस स्तंभ में भी दो जीरो है, इसमें क्या तीन जीरो है, इस स्तंभ में कितने अपने पास, एक जीरो है, इसको कर दिया मैंने ब्रैकेट में बंद। इसके जस्ट सामने वाले जीरो को क्या कर देंगे, कैंसिल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये चार जीरो बच रहे हैं अपने पास, बी वाली पंक्ति में भी चार जीरो, दो जीरो है, और सी वाली पंक्ति में भी दो जीरो है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, यदि इस जीरो को मैं ब्रैकेट में बंद करूँ तो इस वाले पे क्रॉस लग जाएगा, और इस वाले पे भी क्रॉस लग जाएगा, और ये किस में आ जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट में। एक कंडीशन तो ये बन सकती है, दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ साइड में, कंफ्यूज मत होना आप, मैं इसको ब्रैकेट में बंद करके बता रहा हूँ इसी कंडीशन को, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ए बी सी, और ऐसा क्यों हुआ वो भी मैं आपको बताऊँगा। पहले मैं सारे डिजिट लिख देता हूँ, जीरो 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 दो, ज़ीरो 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 दो। अब देखो इस वाले में क्या करेंगे, इसमें भी वही है कि एक ये पंक्ति में देखा, पहली पंक्ति में जीरो, इसके जस्ट नीचे वाले कैंसिल, इसमें दो जीरो थे, इसमें दो जीरो थे, इसमें दो जीरो थे, छोड़ दिया हमने। फिर स्तंभ में गए तो इसमें भी, इसमें कुछ नहीं, इसमें दो, इसमें तीन, इसमें एक था, तो मैंने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, इसके सामने वाले को कैंसिल कर दिया। फिर कंडीशन ये बनी, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया था, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ, तो इसके जस्ट सामने वाले एक तो ये, इसका जस्ट सामने वाला एक ही है, तो बच्चा कौन सा, ये वाला। तो एक कंडीशन में तो ये दोनों ब्रैकेट आएंगे, एक कंडीशन में ये दोनों ब्रैकेट आएंगे, लेकिन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन चीज़ ये है कि चारों पंक्तियों को हमको ब्रैकेट मिल गया है, चारों पंक्तियों को चार ब्रैकेट मिल चुके हैं, मतलब क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। आई चीज़ समझ में, और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ
क्यों हमारे दो लोगों की जो क्षमता है, दो विक्रेताओं की क्षमता है बराबर थी, 5:5, इसलिए ऐसा हुआ है। आई चीज़ समझ में? तो ये हमको लास्ट में क्या मिल गया है, ये दो मैट्रिक्स मिल गई है हमको, इसके हिसाब से हम आंसर निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे हम आंसर? यदि इस वाली मैट्रिक्स के हिसाब से देखें तो ए वाले विक्रेता को कौन सा क्षेत्र मिल रहा है, फर्स्ट वाला, बी वाले विक्रेता को कौन सा मिल रहा है, थर्ड वाला, सी वाले विक्रेता को, मतलब ये कैसे देखना है, देखो ए वाले विक्रेता के वाली पंक्ति में ब्रैकेट कहाँ है और ब्रैकेट कौन से स्तंभ में है, तो फर्स्ट वाले में, बी वाले में ब्रैकेट कहाँ है, तीसरे स्तंभ में, सी वाले में ब्रैकेट कहाँ है, दूसरे स्तंभ में, और डी वाले में ब्रैकेट कहाँ है अपने पास, चौथे स्तंभ में। ये तो इस सारणी के हिसाब से, इस मैट्रिक्स के हिसाब से। एक और मैट्रिक्स मिली हमको, ये वाली, देखो इसके हिसाब से देखेंगे तो क्या आएगा अपने पास, कि ए को कौन सा क्षेत्र मिला, वही ए को तो फर्स्ट ही मिला, बी को इसमें कौन सा मिला, सेकंड वाला, सी को कौन सा मिला इसमें, थर्ड वाला, और डी को कौन सा मिला इसमें, फोर्थ वाला। आई चीज़ समझ में? तो इस तरह से ये दोनों आंसर हो जाएंगे, लेकिन जब इनको लास्ट में ऐड करेंगे ना, पैसे ऐड करेंगे तो वो सेम ही आएंगे। देखो कैसे, जो मेन सारणी है उसमें चलते हैं, जो मेन सारणी हमने स्टार्टिंग में बनाई थी ना उसमें चलते हैं। देखो ए का फर्स्ट क्या है, 42, बी का थर्ड क्या है, 20, सी का सेकंड क्या है, 25, और डी का फोर्थ क्या है अपने पास, 12। ऐसे इसमें देखें तो ए का फर्स्ट वो का वही 42, बी का सेकंड है 25, सी का थर्ड क्या है अपने पास, 20, और डी का फोर्थ क्या है अपने पास, 12। जब आप चारों को ऐड करोगे तो कितना आ रहा है आपके पास, ये 4, 5, 9, और ये कितना आ रहा है अपने पास, ये 9, मतलब कितना आ रहा है अपने पास, 99, और ये भी कितना आ रहा है आपके पास, 99। जब आप इनको ऐड करोगे 99, मतलब क्या है, 99 इंटू आपको क्या करना है, 10,000, क्योंकि हमने एक यूनिट को क्या माना था, 10,000, तो 99 यूनिट कितना हो जाएगा अपने पास, 9,90,000, मतलब 9,90,000 अपने अधिकतम क्या है, अधिकतम देय या अधिकतम लाभ है, 9,90,000 रुपये क्या है अपने, अधिकतम लाभ है। आई चीज़ समझ में? तो इस तरह से हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये इसमें एक ही चीज़ करनी है, इसका प्रोसेस है, जो आप यदि क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में तो आपको प्रोसेस आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में वैसे की वैसी लिखनी है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ, तो इसको आप अच्छे तरीके से करें। अभी एग्जाम्पल नंबर 7 का मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ, इसको ऐसे ही प्रोसेस से आपको फॉलो करना है। मैंने एक क्वेश्चन आपको पूरा बता दिया है, अब आप एग्जाम्पल नंबर 7 का मैं आपको मैट्रिक्स बनाना बता देता हूँ, उसको आपको ऐसे ही सोल्व करना है, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 है, उसमें अपन को क्या दे रखा है कि दिल्ली से जयपुर जाने कि जो फ्लाइट्स है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, उनकी टाइमिंग दे रखी है कि वो कितने बजे रवाना होती है, कितने बजे पहुंचती है। ऐसे जयपुर से दिल्ली जाने का भी हमको क्या दे रखा है, जयपुर से दिल्ली जाने का भी हमको कौन सी फ्लाइट है, 101, 102, 103 और 104, उनकी भी हमको रवानगी और आगमन का टाइम दे रखा है। ये दो सारणियाँ हमको दे रखी है, अब इसके माध्यम से हमको मैट्रिक्स बनानी है और उसको सोल्व करना है। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, कि एक हवाई अड्डा एक सप्ताह में 7 दिन कार्यरत है, जिसकी समय सारणी निम्न अनुसार है। चालकों के दल को 2 उड़ानों के मध्य कम से कम 5 घंटे का अवकाश समय चाहिए। चालकों के दल मतलब जो उड़ाने वाले हैं, जो भी उसमें प्लेन में जो भी जो सारे मेंबर रहते हैं, ठीक है ना, प्लेन के क्रू मेंबर जिनको हम बोलते हैं, उनको एक उड़ान, जैसे जयपुर से दिल्ली गई तो दिल्ली से वापस जयपुर आने का जो बीच का वापस रवाना होने का जो टाइम है, बीच में कम से कम 5 घंटे तो चाहिए ही चाहिए, 5 घंटे का रेस्ट तो मिलता ही मिलता है, 5 घंटे का अवकाश समय चाहिए। उड़ानों के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिसमें घर से दूर रहने का अवकाश समय कम से कम हो। किसी युग्म के लिए उस दल शहर के लिए दल उस शहर में स्थित होगा जहां अवकाश काल न्यूनतम हो। प्रत्येक युग्म के लिए उस शहर का नाम भी लिखिए और दल स्थित होना चाहिए। देखो क्या बोल रहा है, सिंपल सी भाषा में बताता हूँ मैं आपको, कि हमको जयपुर से दिल्ली से जयपुर जाने की फ़्लाइटों का दे रखा है, जयपुर से दिल्ली जाने के लिए फ़्लाइटों का टाइम दे रखा है। हमको बोल रखा है कि कोई फ़्लाइट कहीं पहुंचती है तो वापस रवाना होने और पहुंचने के बीच में हमेशा कितने का टाइम रखना है हमको, 5 घंटे का। आई चीज़ समझ में? ठीक है, ठीक है। तो अब हमको ये देखना है कि जो ये फ़्लाइट नंबर 1 है, ये जयपुर, देखो ये दिल्ली से जयपुर है, ये जयपुर से दिल्ली है, हमको इनको उन कंडीशन में या उन जगह भेजना है जहाँ पे समय मतलब कम से कम, मतलब 5 घंटे ही रुके, ज़्यादा मतलब हमको समय कम से कम कंज्यूम करना है। ऐसी सारणी हमको बनानी है। देखो कैसे, कि जैसे ये अपन को फ्लाइट है, ये 8 बजे कहाँ से रवाना हो रही है, जयपुर से,
क्योंकि ये भैया सॉरी ये आगमन हुई कहाँ पहुँची, ये जयपुर पहुँची, दिल्ली से जयपुर पहुँची कितने बजे, 8 बजे, सुबह 8 बजे, ठीक है। और यही फ्लाइट फिर क्या हुई भैया, फिर और अगली फ्लाइट कौन सी है अपने पास, अगली फ्लाइट है वापस जयपुर से रवाना हो लिया, अगली फ्लाइट कितनी है, रवानगी कितने बजे हो रही है, 8 बजे। मतलब हैंड टू हैंड तो ये रवाना हो नहीं सकती क्योंकि 5 घंटे का अंतर तो मिनिमम रखना ही है। मतलब ये अगले दिन रवाना हो रही है, क्या हो रही है, अगले दिन रवाना हो रही है, आई थी समझ में। तो हमको न्यूनतम समय ज्ञात करना है कि न्यूनतम समय इतना लग सकता है यदि आप प्लेनों को सही तरह से आप उनको संचालित करो, ठीक है ना। फिर भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो इतना ध्यान रखो, आपको क्या करना है कि आपको मैट्रिक्स बनानी है, और मैट्रिक्स इतनी बनेगी, इसमें 2 मैट्रिक्स बनेगी, कैसे बनेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यदि इस गणना को सरल करना है अपन को तो हमको क्या मानना पड़ेगा, 15 मिनट इक्वल टू 1 यूनिट, क्या मानना पड़ेगा यहाँ पे हमको, 15 मिनट इक्वल टू 1 यूनिट मान लो, जिससे आपकी गणना क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। देखो 15 मिनट को हमने 1 यूनिट माना है तो 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं, ये 24 घंटे, 24 आवर्स, ठीक है ना। तो मतलब 1 घंटे में आपके कितने, 1 घंटे में आपके होते हैं 60 मिनट, और 60 मिनट में यूनिट कितने हो जाएंगे आपके पास, 4 यूनिट हो जाएंगे, क्योंकि 15 यूनिट में कितने यूनिट आ रहा है, 1 यूनिट आ रहा है, तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा, 4 यूनिट, ठीक है। तो ऐसे 1 घंटे में 4 यूनिट है तो 24 घंटे में कितना हो गया आपके पास, 96 यूनिट, कितने होंगे आपके पास, 96 यूनिट। यदि मतलब मैं 1 घंटे की बात, 24 घंटे की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं 96 यूनिट की बात करूँगा, ठीक है। और इसमें साथ में लिख भी सकते हो 1 घंटा बराबर 4 यूनिट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो गणना को सरल करने के लिए है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम सारणी बनाएंगे, सारणी नंबर एक, सारणी ए किसके लिए बनाएंगे हम, जयपुर के लिए, कि जयपुर में प्रस्थान करने वाली, आने वाली और वापस जयपुर से रवाना होने वाली प्लेनों के बीच कितना समय का अंतर आ रहा है। कम से कम 5 का ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हमको न्यूनतम समय बताना है कि आप इतने समय में भी काम कर सकते हो, इतने समय में भी प्लेनों को संचालित कर सकते हो, तो हमको न्यूनतम ही टाइम बताना है उनके बीच का, ठीक है ना। तो सारणी ए किसके लिए बनाएंगे हम, जयपुर के लिए, सारणी ए किसके लिए बनाएंगे हम, जयपुर के लिए। अब जयपुर के लिए कैसे बनाएंगे, देखो जयपुर कौन सी प्लेन आ रही है, आ तो रही है प्लेन नंबर वन, और जहाँ यहाँ से रवाना कौन सी हो रही है, प्लेन नंबर 101। मतलब जब एक नंबर प्लेन जयपुर पहुँचती है और फिर रवाना कौन होती है, 101, ठीक है ना। तो देखो कैसे बनेगा सारणी, सॉरी 101, 102, 103 और 104 तो इधर आ जाएगी, ये 1, 2, 3, 4 ये प्लेनें इधर आ जाएगी। देखो अब मैं बनाता हूँ, आप ध्यान रखना, ये जो एक नंबर प्लेन है वो 8 बजे पहुंच रही है और फिर वो रवाना हो रही है 8 AM, दोनों AM ही है, इसका मतलब ये अगले दिन रवाना हो रही है 101 नंबर फ्लाइट। मतलब एक नंबर और 101 के बीच में कितना टाइम आ गया, कितना कितना गैप आ गया, 24 घंटे का, और 24 घंटे मतलब एक और 101 के बीच 24 घंटे का गैप आ गया, 24 घंटे मतलब 96 यूनिट, यानी कितना यहाँ पर कितना लिख दूंगा मैं, 96। आ गई चीज़ समझ में। अब ऐसे ही बात करें एक और 102 के मध्य, कि ये जो एक नंबर है वो 8 बजे पहुँच रही है और 102 नंबर है कब, कितने बजे रवाना हो रही है, 8:30 बजे। मतलब ये भी आधे घंटे का अंतर है, लेकिन कम से कम 5 घंटे का रहता है, मतलब ये अगले दिन रवाना हो रही है। अगले दिन कितने बजे, देखो 8 से 8:30 रवाना हो रही है, मतलब 24 घंटे 30 मिनट, 24 घंटे का तो कितना हो गया, 96 यूनिट, और आधे घंटे का कितना हो जाएगा, 30 यूनिट, सॉरी 2 यूनिट, क्योंकि 15 मिनट का 1 यूनिट है ना, तो 30 मिनट का कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। तो यहाँ पर कितना टाइम, कितना गैप आ गया इनके बीच में, 98 यूनिट का। इसे बात करें एक और 103 के मध्य, कि एक तो भी फर्स्ट नंबर की फ़्लाइट कितने बजे पहुंच रही है, जयपुर 8 बजे, लेकिन रवाना, और ये 103 कितने बजे रवाना हो रही है, 12 बजे दिन में, तो भी 4 घंटे का गैप ही हुआ, और 4 घंटे का गैप मतलब वो अगले दिन रवाना हो रही है। जब तक 5 घंटे का गैप नहीं आ जाता मतलब वो अगले दिन रवाना हो रही है, ठीक है। तो मतलब 8 से 8 अगले दिन वाला, 24 घंटे तो वो हो गए, और प्लस 12 4, मतलब 8 प्लस 4 12, यानी कितने घंटे हो गए, 24 4 28, 28 इंटू कितने कर लेंगे हम, 1 घंटे में कितने यूनिट होते हैं, 4, तो 28 घंटे में कितने हो जाएंगे अपने पास, 112, 112 होंगे ना, ठीक है। फिर बात करते हैं एक नंबर फ्लाइट और 104 नंबर फ्लाइट के बीच, तो एक नंबर फ्लाइट कितने बजे आ रही, 8 बजे, और 104 वाले कितने बजे रवाना हो रही है, 4:30 5 दिन में, ठीक, शाम को। तो मतलब 8 से 5:30 के बीच कितने घंटे का अंतर है, देखो 8 4 मतलब कितना, 8 4 घंटे, ये 5, यानी 4 5 9, 9.5 घंटे का अंतर है, 9.5 इंटू क्या कर लेंगे हम, 4, तो 9 चौक 36, और आधे घंटे का कितने हो जाएंगे, 2 यूनिट, तो 36 प्लस 2 38।
आगे चीज़ समझ में आपको? कोई दिक्कत है आपको? कोई नहीं है, बस आपको क्या करना है, ऐसे ही करना है, ठीक है। अब देखो ऐसे ही करेंगे सेकंड नंबर के लिए। इसके लिए करेंगे कि ये सेकंड नंबर वाली फ़्लाइट है जयपुर कितने बजे पहुंच रही है, 9 बजे। कितने बजे पहुंच रही है, 9 बजे। तो 9 बजे पहुंच रही है, और 101 नंबर कितने बजे रवाना हो रही है, 8 बजे। मतलब ये 9 बजे पहुंचती है, ये 8 बजे रवाना हो रही है, मतलब अगले दिन रवाना हो रही है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये 9 बजे पहुंचेगी और ये फिर अगले दिन उसी दिन 1 घंटे पहले, 1 घंटे का अंतर होता ही नहीं, हमेशा 5 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। तो मतलब ये अगले दिन 8 बजे रवाना हो रही है, तो 9 से 9 24 घंटे, लेकिन 1 घंटा कम है तो कितने हो जाएंगे, 23। 23 × 4 कितने हो जाएंगे अपने पास, 23 × 4 92। तो ये 92 आ गए। ऐसे ही करते करते हम एक सारणी बन जाएगी हमारे पास, 94 आ जाएगा यहाँ पे, 108 आ जाएगा, 34 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 70, और इसमें बन जाएगी 72, 86, और क्या है अपने पास, 108। फिर आ जाएगा अपने पास, इसमें आ जाएगा 50, 52, 66 और 88। तो इस तरह से आपको क्या बनानी है, एक सारणी बनानी। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया? जैसा इस पंक्ति के लिए बनाया वैसे इस पंक्ति में बनेगा, वैसे इस पंक्ति में वैसे। बस आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि पहला तो इस 8 बजे का इन चारों के साथ गैप देखना है, फिर 9 बजे का इन चारों के साथ देखना है, क्योंकि यह आगमन है, यह रवानगी है, मतलब ये जयपुर पहुँच रही है और ये जयपुर से रवाना हो रही है। इन चारों, इन दोनों के बीच को हमको रिलेशन बताना। फिर 2:30 बजे का इन चारों के साथ गैप, 7:30 का इन चारों के साथ। यदि गैप यदि 5 घंटे का हो जाता है, ठीक है ना, मतलब उसी दिन की बात कर रहे हैं, और 5 घंटे से कम है, मतलब अगले दिन की बात कर रहे हैं, 5 घंटा है, 5 घंटे से ज़्यादा है, तो उसी दिन की बात कर रहे हैं, और 5 घंटे से गैप कम है इन दोनों के बीच, इसका मतलब अगले दिन की बात कर रहे हैं, तो आपको अगले दिन तक का समय गिनना है, ठीक है। और फिर इसको यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना है, और इसी चीज़ को यहाँ लिख देनी है। कोई दिक्कत है? नहीं। फिर हम चलते हैं सारणी बी में। सारणी बी किसके लिए बनानी? ये तो जयपुर के लिए बन गई, अब हम सारणी बी किसके लिए बनाएंगे, दिल्ली के लिए, ठीक है। तो दिल्ली के लिए सारणी बी बनेगी, दिल्ली। इसमें भी वही करेंगे कि फ्लाइट नंबर 101, 102, 103 और 104, और इधर आ जाएगी हमारी 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें पहले समझ लेते हैं हम कि यह दिल्ली कितने बजे पहुंच रही है, फ़्लाइट 101 नंबर वाली कितने बजे पहुंच रही है, 9:15, और वापस दिल्ली से रवाना कितने बजे हो रही है, दिल्ली से रवानगी कितने बजे हो रही है, 7 बजे, ठीक है ना। तो इसका रिलेशन इसके साथ देखना, ये चीज़ देखना नहीं चाहिए। जयपुर में तो क्या कर रहे थे, आगमन का रिलेशन रवानगी से, ऐसे दिल्ली में क्या करेंगे, इस आगमन का रिलेशन, ऐसे मैं बता देता हूँ, इन दोनों का रिलेशन देखना है और इन दोनों का रिलेशन देखना है। आई चीज़ समझ में? तो अब देखो कितने बजे पहुँच रही है, 9:15, और वापस रवाना कितने बजे हो रही है, ये मतलब 101 वाली तो पहुँच रही है 9:15, और फिर एक नंबर फ्लाइट रवाना कितने हो रही है, 7 बजे, मतलब अगले दिन रवाना हो रही है। तो 9:15 से 7 के बीच में डिफरेंस कितना है, कितने घंटे का गैप है? तो 9:15 से आप देखोगे, यदि आप 9:15 से देखते हो, तो 9:15 से आप इस 7 के बीच का गैप देखोगे, तो कितना आ रहा है आपके बीच, मतलब कितना आ रहा है कि 7 घंटे, तो ये 7 और 2 11 सॉरी 7 2 9 और 9 और 45 मिनट, ये तो 9 घंटे, तो 36 की सॉरी अगले दिन की बात कर रहे हैं ना, कि 9:15 से अगले दिन सुबह, मतलब इस दिन सुबह 9 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे की बात कर रहे हैं, मतलब 9 से 9:15 से 9:15 अपने 24 घंटे हो जाते हैं, लेकिन माइनस कर दो आप, कितने माइनस कर दो, 24 में से आप माइनस कर दो, 2 घंटे 15 मिनट माइनस कर दो आप, ठीक है। तो मतलब 2 घंटे माइनस करोगे आप, मतलब 1 घंटे में 4 यूनिट होते, तो 2 घंटों में 8 यूनिट हो जाएंगे, यानी 96 में से 8 माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा आपके पास कि 88, और 88 में से भी क्या माइनस कर देंगे, 15 मिनट और माइनस करेंगे, मतलब 1 यूनिट और माइनस कर देंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 87। कुल मिला के आप इन दोनों के बीच का टाइम का गैप निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना मुझे पता है, ठीक है। 9:15 से अब देखो ये गाड़ी पहुँच सॉरी आगमन कितने बजे हुई, 9:15, 9:15 का अब गैप निकालेंगे हम 8 के बीच का, कि 9:15 तो रवाना हुई सॉरी पहुंची, ये 8 बजे रवाना हो गई, ये भी अगले दिन की बात कर रहा है, 1 घंटा ज़्यादा है, तो आप क्या कर लो, 87 में 4 प्लस कर लो, तो कितना हो जाएगा आपके पास। देखो अब हमने यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये 101 का रिलेशन किसके साथ देख रहे हैं हम, 2 के साथ, तो ये 101 का रिलेशन देख रहे हैं हम 2 के साथ, मतलब जो हमने अभी गिना ना 91, वो यहाँ आएगा, आप पंक्ति में मत लिख देना, इसमें हम स्तंभ वाइज चलेंगे। आई चीज़ समझ में? ऐसे में देखो 9:15 और 1:30 के बीच कितना गैप है, 9:15 सुबह के बज रहे हैं, 1:30 दिन के बज रहे हैं, ये दिन के बीच 5 घंटे का गैप है क्या,
10:15, 11:15, 12:15 और 1:15, 4 घंटे का ही है। मतलब ये अगले दिन 1:30 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अगले दिन 1:30 बजे की। तो अगले दिन 1:30 बजे से देखो, पहले तो 9:15 से 9:15 अगले दिन कितने घंटे हुए? 4 घंटे। कितने? सॉरी, 24 घंटे। फिर 10:15, 25, 11:15, 26, 12:15, 27 और 1:15, 28। 28 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 4 यूनिट से। कितना हुआ? 8 चौक 32, और ये कितना हुआ अपने पास? ये कितना हो जाएगा? 112। और प्लस 15 मिनट और एक्स्ट्रा है, क्योंकि हम 1:15 तक ही गए, 1:30 तक जाना है हमको। तो कितना हो जाएगा अपने पास? 113। और 113 ऐसा क्यों आया? क्योंकि हम क्या बता रहे हैं? 101 वाली फ़्लाइट का रिलेशन बता रहे हैं 3 नंबर फ्लाइट के साथ, ठीक है ना? तो 101 का रिलेशन बता रहे हैं 3 नंबर फ्लाइट के। ऐसे हमको सबके लिए हमको करना है। तो क्या आ जाएगी आपके पास? 37, 85, 84, 111, 35, यह आ जाएगा आपके पास 71, 75, 97 और 21, यह आ जाएगा आपके पास 49, 53, 75 और 95। यह आपको कितनी सारणियाँ मिल गई है? 2 सारणियाँ, ठीक है। लेकिन हमको तो एक मैट्रिक्स चाहिए। अब मैट्रिक्स कैसे आएगी हमारे पास? किस इनकी क्या बनाएंगे हम? संयुक्त सारणी। क्या बनाएंगे? संयुक्त सारणी। अब संयुक्त सारणी कैसे बनाते हैं? वही 101, 102, 103 और 104। इधर आ जाएगा 1, 2, 3, 4। अब इनकी संयुक्त सारणी बनानी है तो क्या करेंगे? दोनों सारणियों में जो फर्स्ट वाला डिजिट है उनमें सबसे छोटा कौन सा है? 87 है, तो 87 को प्रायोरिटी दे देंगे। यहाँ पे 87 लिख देंगे। दोनों में क्या है अपने पास? 98 है और यहाँ पे 85 है, तो 85 आ जाएगा। ऐसे जो जिस स्थान पर दोनों सारणियों में तुलना करेंगे जो छोटा वाला डिजिट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो नई मैट्रिक्स आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? ये इस तरह से आ जाएगी। 91, 70, 37, ये हो जाएगा 84, 72, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा आपके पास 75, 86, 21 और ये हो जाएगा 34, 75 और 88। तो ये आपको क्या मिल गई है? नई मैट्रिक्स मिल गई है। अब इसमें आपको क्या करना है? वही सबसे पहला मेथड पंक्ति सम्मानित मैट्रिक्स, फिर आपको सेकंड स्तंभ सम्मानित मैट्रिक्स, फिर आपको क्या करना है? शून्य निर्दिष्टीकरण। ये आपको प्रोसेस फॉलो करना है और इसको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। लास्ट में जाके आपको क्या मिलेंगे? आपको दो कंडीशन मिलेगी। दो कंडीशन क्या मिलेगी आपको? दो कंडीशन ये मिलेगी, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में इस तरह से मिली थी ना अपन को कि ये क्रॉस हो गया था, ये क्रॉस हो गया था, ऐसे ऐसे इसमें भी दो कंडीशन मिलेगी, दो तरह की सारणियाँ मिलेगी लास्ट में जाके। तो आपको आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा कि लास्ट, लेकिन दोनों का टोटल सेम ही रहेगा। क्या रहेगा? 210 यूनिट। और 210 यूनिट को हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? या 210 यूनिट को आप जब मल्टीप्लाई कराओगे किससे? 15 मिनट से। तो आपको क्या मिलेंगे लास्ट में जाके आंसर? आपको लास्ट में जाके आंसर मिलेंगे कि 52 घंटे 30 मिनट, कि जो उनका न्यूनतम अवकाश समय है वो कितना है? 52 घंटे 30 मिनट। आई चीज़ समझ में कि जो अभी जो ट्रेन अभी जो फ्लाइटें चल रही है उनके बीच जो न्यूनतम अवकाश समय कितना आ रहा है? 52 घंटे 30 मिनट। ये आपका आंसर रहेगा। तो इसको आपको सोल्व करना है, कहीं दिक्कत आए तो आप बोल देना, कमेंट करके बता देना। ये एग्जांपल नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये एक एग्जांपल और है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये पेज नंबर 18 पे है अपने। क्या है ये एग्जांपल? कि 4 मशीनों को 5 कार्य निर्दिष्ट करते हैं जिनकी लागत मैट्रिक्स निम्न है, न्यूनतम लागत निर्दिष्टीकरण कीजिए। न्यूनतम ही ज्ञात करना है, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन इसमें चीज़ डिफरेंस क्या है? देखो आपको पता चल जाएगा मशीनें कितनी है इसमें, ए बी सी डी, 4 मशीनें, लेकिन आदमी कार्य कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। यानी कौन सी प्रकार की मैट्रिक्स है? ये असंतुलित मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है? ये असंतुलित मैट्रिक्स है। तो अब इसमें हमको क्या चीज़ बढ़ानी पड़ेगी? हमको मशीनें बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। मशीनें बढ़ानी पड़ेगी तो क्या करेंगे? एक और मशीन लगा देंगे ई, लेकिन उनके डिजिट क्या होंगे? अब डिजिट क्या होंगे हमेशा जब भी हम या तो हम स्तंभ बढ़ाते हैं या हम क्या बनाते हैं? पंक्ति। स्तंभ कम होंगे तो स्तंभ बढ़ाएंगे, कोई एक और एक्स्ट्रा स्तंभ ऐड कर देंगे। पंक्ति कम होगी तो पंक्ति बढ़ा देंगे, लेकिन यहाँ पर पंक्तियाँ 5 है, स्तंभ कम है, तो मैंने एक और स्तंभ लगा दिया ई। इसके अवयव क्या होंगे? तो इसके अवयव हमेशा हम मानते हैं 0, 0, 0, 0, 0, और इस वाले स्तंभ को क्या कहेंगे हम? छदम स्तंभ। इसको हम क्या कहेंगे? छदम स्तंभ। आई चीज़ समझ में? तो ये आपको नई मैट्रिक्स मिल गई है। अब इसको आप अपने पहले वाले मेथड से आसानी से सोल्व कर लेना, कहीं आपको दिक्कत आने वाली नहीं है।
ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, असंतुलित वाला क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है। तो इसके 7 एग्जांपल पढ़े हमने और एक ये एग्जांपल, टोटल कितने एग्जांपल हुए? 8 एग्जांपल, जो आपको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, जब तक आपका नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है, आप इस चैप्टर की ये 8 एग्जाम्पल अच्छी तरह से कम्प्लीट कर लो। ओके, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, जो पढ़ने वाला हो बच्चा, जिसको सच्ची में पढ़ना है, उसके साथ भी आप शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू।